हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम राघवेंद्र है और मैं आप लोगों को आज कोरल ड्रा की दूसरी क्लास बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम दूसरी क्लास में देखते हैं, जैसे ही हम कंट्रोल एन करते हैं यानी कि नया पेज लेते हैं, इसका शॉर्टकट, अभी आप शॉर्टकट पे ना जाइए, अभी आप लॉन्ग कट देखिए, शॉर्टकट अपने आप आ जाएगा। तो मैं नया पेज क्रिएट करता हूँ, तो उसमें आप नाम डाल सकते हैं, कस्टम पेज ले सकते हैं। आप RGB पे काम करना चाहते हैं कि CMYK पे काम करना चाहते हैं, या वेब डिज़ाइन में काम करना, वेब पे काम करना चाहते हैं, तो आप इससे ले सकते हैं। और उसके बाद में आप पेज डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितने पेज लेने हैं। खैर, आप पेज यहाँ भी डिसाइड कर सकते हैं और बाद में भी पेज आगे पीछे कर सकते हैं, बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं और डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है। अब पेज आप कैसे व्यू करना चाहते हैं, ये एक नया ऑप्शन आया है 2022 के अंदर, ठीक है। तो इसमें अब यहाँ पर भी देखो, शॉर्टकट में भी दिया हुआ है कि CMYK पे काम करना चाहते हैं कि RGB पे काम करना चाहते हैं। मैं आगे आने वाली क्लास में ये भी बताऊँगा कि CMYK और RGB में क्या फ़र्क है, उनको किस पे काम करना चाहिए और कब किस पे काम करना चाहिए। CMYK हम लोग ज़्यादातर CMYK पे काम करते हैं, RGB पे बहुत कम काम होता है। तो मैं आगे बताऊंगा कि अब तो खैर CMYK और RGB दोनों बराबर ही हो गए हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हैं, तो इसलिए CMYK चूज़ करते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर पेज ले सकते हैं। खैर, हम लोग यहाँ से पेज नहीं लेते हैं, होता है बाद में पेज का साइज अपना कस्टम ले लेते हैं, जिस पेज में हमें डिज़ाइन करना होता है। वैसे क्या है, लोग ज़्यादातर A4 जानते हैं हमारे समझ में, लेकिन होता क्या है, प्रिंटिंग प्रेस में बहुत सारे साइज होते हैं, तो मैं वो साइज़ भी बताऊंगा जो कि पेपर आता है। अब जैसे मान लीजिए पेपर आता है 18x22 का। अब 18x22 का जो पेपर होता है उसमें आपको किस भाग में डिज़ाइन करनी है, मतलब कितने फोल्ड के बाद में कितनी छोटा कितना बड़ा आपको करना है। जैसे हम लोग प्रिंटिंग लाइन में बोलते हैं 1x4, 1x4 का मतलब हो गया 9.5x7.5, है ना। 1x5 में डिजाइन होनी है, यानी कि 18x22 का पांचवा भाग। 1x4 मतलब 18x22 का चौथा भाग, है ना। 1x6 मतलब 18x22 का छठा भाग, है ना। 1x8 मतलब 18x22 का आठवां भाग। तो ऐसे करके हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। DPI हम लोग 300 ही रहने देते हैं, लैंडस्केप पोर्ट्रेट जो भी आपको करना है कर सकते हैं। यहाँ पर आप इंचेस में रखना है या फीट में रखना है, होता क्या, जैसे फीट में फ्लैक्स वगैरह डिज़ाइन होती है तो फीट में होती है, इंच में हम लोग पम्पलेट ब्रोशर कैटलॉग ये डिज़ाइन करते हैं, और MM में हम लोग जब पैकेजिंग डिज़ाइन होती है, जैसे डब्बियों की डिज़ाइन होती है, मेडिकल स्टोर मेडिकल लाइन की हो गई डब्बियाँ, है ना, या कुछ अगरबत्ती की हो गई, तो उसमें छोटे छोटे से चीज़ें वो बड़ी बारीकी से काम होता है, तब उसमें हम लोग MM में। अच्छा, इसमें क्या है कि आप इंचेस में ले 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 लीजिए, क्योंकि ये CDR फाइल होती है, इसको छोटा बड़ा करने में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। रास्टर फाइल होती है, रास्टर और JPG में फ़र्क क्या होता है ये भी आगे चल के हम बताएंगे, बारी बारी क्लासें आएंगी। DPI आप यही रखिए, नाम बाद में भी डाल सकते हैं, अभी भी डाल सकते हैं। मैं कैसे करता हूँ वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं सीधा सीधा नया पेज लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। उसके बाद में पेज का साइज़ है, यहाँ से आप बदल सकते हैं। अब मान लीजिए आजकल डिजिटल प्रिंटिंग चलती है तो 13x19 होता है, तो हमने 13x19 का साइज़ ले लिया। अब आपको लैंडस्केप करना है, पोर्ट्रेट करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हमने पहले नहीं डिसाइड किया, हम बाद में डिसाइड कर रहे हैं, और बाद में डिसाइड करना ज़्यादा ठीक होता है, क्योंकि लोग डिज़ाइन होने के पहले कुछ बताते हैं, उसके बाद में कहते हैं थोड़ा छोटा कर दीजिए थोड़ा बड़ा कर दीजिए, तो कहने का मतलब ये होता है उस पर मैटर नहीं करता है, आप कोई भी साइज ले लीजिए, उसको बाद में छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब इसको
हम लोग ने ले लिया 19x13 का। अब इस पे जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो एक ये देखिए बॉक्स आ गया। ऐसे क्या है कि अभी आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रैग करेंगे, उसके बाद में इसमें ऐसे डालेंगे 19, इधर डालेंगे 13, तब ये और पी दबाएंगे तो पेज पे आ जाएगा। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया, इसी रेक्टेंगल को इतना ही बड़ा लाना था और लंबा प्रोसेस हो गया। तो क्या है कि अभी ये कोई भी इसमें रेक्टेंगल नहीं है और हमको इसी साइज का एक रेक्टेंगल लेना है। तो इस पर हम जैसे डबल क्लिक करेंगे एक रेक्टेंगल हो गया, आप कलर डाल के देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।